इस देश के समूचे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से ये अनुरोध किया कि वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान में संशोधन करके व कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है, अर्थात निष्प्रभावी बना दिया गया है। इसके संबंध में अपनी बात रखी थी। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में यह दर्शाया गया कि बीजेपी के एससी व एसटी के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण में क्रिमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तथा इसी ट्वीट में मैंने ये भी कहा कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि एससी एवं एसटी वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रिमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रिमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती और अब इसी सत्र में संविधान संशोधन न लाकर अचानक वर्तमान सत्र को ही तय की गई निश्चित तारीख के पूर्व ही कल दिनांक 9 अगस्त 2024 की शाम को अनिश्चितकाल के लिए सदन जो है संसद जो है वो स्थगित कर दिया गया, जिससे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये असंवैधानिक निर्णय बना रहे और बीजेपी की केंद्र की सरकार की मंशा जिसकी वकालत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी वह बनी रहे, जिसके तहत इस देश के समूचे एससी व एसटी वर्गों के लोगों को क्रिमी लेयर के बहाने तथा उनके बीच में उप वर्गीकरण करके उन्हें आरक्षण से ही हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाए और इस प्रकार से फिर बिना संविधान बदले ही एससी व एसटी वर्गों का आरक्षण हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। एक और वर्तमान संसद सत्र को निश्चित तिथि से पूर्व ही समाप्त करना और दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हवाई आश्वासन देना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को नहीं
लागू किया जाएगा और फिर इस मामले में कोई भी कदम न उठाना तथा कोई भी कार्रवाई आदि न करना ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि या तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का कोई आश्वासन अपने SC ST वर्गों के सांसदों को दिया ही नहीं गया है या फिर ऐसा आश्वासन केवल इन वर्गों के लोगों को भ्रमित व गुमराह करने के लिए ही दिया गया है और इसीलिए अभी तक आधिकारिक तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेस के माध्यम से या अपने कुछ सरकारी ट्वीट के माध्यम से इस आश्वासन की कोई पुष्टि नहीं की गई है। केवल आश्वासन दिया जब वो MP लोग मिले हैं लेकिन अलग से कोई सरकारी तौर पर उन्होंने ना कोई प्रेस के द्वारा इस संबंध में बताया ना कोई उन्होंने अपना कोई ट्वीट जारी किया सरकारी तौर पे जैसे वो करते रहते हैं। इन सब कारणों से आज इस देश में SC व ST वर्गों के रह रहे लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग पूर्व में कांग्रेस की रही सरकार की तरह ही वर्तमान BJP की केंद्र की सरकार के द्वारा भी अपने आप को काफी ठगासा महसूस कर रहे हैं जिनको कि यहाँ वर्षों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण व उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़े हैं जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं जैसे कि सरकारी नौकरियों को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कार्य कराना जिनमें उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता है। सरकारी उपक्रमों अर्थात संस्थानों को निजी हाथों में बेचकर उनमें मिल रही लाखों की संख्या में नौकरियां जिसमें SC व ST वर्गों को भी आरक्षण उपलब्ध था वो भी खत्म कर देना लाखों की संख्या में पदों को खाली करना देश में लाखों पद जो कि SC व ST वर्गों के लिए आरक्षित थे उन्हें सालों से खाली रखना और बाद में उन्हें समाप्त करके सामान्य वर्ग को दे देना पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से SC व ST वर्गों के कर्मचारियों को पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय जो कि नागराज के केस में दिया गया था उसके तहत खत्म कर दिया गया था तथा जिस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक संशोधन विधेयक BSP के अथक प्रयासों से राज्यसभा में तो पारित हो गया था परंतु उसके बाद वह लोकसभा में आज तक भी पास करने के लिए नहीं लाया गया है और ये वही बिल है जिसको कि समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों के द्वारा कांग्रेस एवं BJP के साथ मिलकर संसद के अंदर ही फाड़ दिया था और अब इसी प्रकार ही भाजपा की केंद्र सरकार ने अपने वकील अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उप वर्गीकरण और क्रिमिलियर के पक्ष में गलत दलीलें दिलवाई थी जिसकी वजह से ही नागराज के निर्णय की तरह दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के विरुद्ध निर्णय दिया गया है जिसका सीधा असर ये होने वाला है कि अब संपूर्ण SC व ST वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि इस निर्णय के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब पूरे देश में राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से SC व ST वर्गों के लोगों को आपस में ही लड़वाने का काम करेंगी और इन वर्गों के लोगों को
जीवन भर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी और फिर अंत में इनके सभी आरक्षित पद खाली पड़े रहने के कारण या तो ये पद खत्म कर दिए जाएंगे अन्यथा इन्हें सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। ऐसे में मेरी इस देश के सभी एससी व एसटी वर्गों के सांसदों एवं एमएलए व एमएलसी तथा अन्य राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों से भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनकर आए हों, उन सभी से ये कहना है कि ये लोग बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी व अन्य पार्टियों के भी एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के विरुद्ध उनकी नियत व सोच से जरूर सजग हो जाएं, सचेत रहें और अपने मूलभूत संवैधानिक आरक्षण के अधिकारों को खत्म होने से बचाने के लिए एकजुट होकर इसके विरुद्ध अपनी आवाज एक संवैधानिक और शांतिपूर्वक तरीकों से पूरी जोरदारी से उठाएं, वरना अब इस देश के एससी व एसटी वर्गों के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा। फिर वो चाहे नौकरियों में आरक्षण हो या किसी राजनीतिक पद के लिए हो, जैसे कि एमपी व एमएलए आदि के लिए हो। इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि अब समय आ गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय आदि की नियुक्तियों में भी एससी व एसटी वर्गों के लिए पद आरक्षित किया जाए, जिससे कि इन उच्च अदालतों में इन वर्गों के लोगों की भी बात सुनी जाए और समझी जाए और भविष्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागराज केस के में दिए गए निर्णय एवं दिनांक 1 अगस्त 2024 को दविंदर सिंह बना पंजाब राज्य में दिए गए निर्णय की तरह के अन्य कोई और निर्णय एससी व एसटी वर्गों के विरुद्ध देकर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए। इसके अलावा मेरा सावधानी के तौर पर एससी व एसटी वर्गों के लोगों को ये भी कहना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है, अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है, या फिर ये कहे कि हम इस निर्णय को यानी कि कांग्रेस पार्टी इस निर्णय को ही मानते हैं और इस पर ही अमल करते हैं जो अभी 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जिनकी पंजाब व दिल्ली में भी इनकी अपनी सरकार है, ये पार्टी भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि ये पार्टी इस निर्णय को वहां लागू करेगी या नहीं। इस प्रकार इन पार्टियों की भी इस दोगली नीति से एससी व एसटी वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें, जिन्होंने इस बार देश में 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर आरक्षण व संविधान को बचाने के नाम पर इन वर्गों का वोट हासिल करके अपनी अधिकांश सीटें जीत ली हैं, अपनी अधिकांश सीटें जरूर जीत ली हैं और अपनी एकमात्र रितेशी पार्टी बीएसपी को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब अंत में मेरा इन जैसी अन्य सभी पार्टियों से भी यही अनुरोध है कि वे भी इस देश के करोड़ों एससी व एसटी वर्गों के लोगों के समक्ष इस निर्णय के मामले में अपनी अपनी पार्टी का स्टैंड जल्दी ही स्पष्ट करें ताकि सही स्थिति इन वर्गों के सामने आ सके। बाकी जो पार्टियां चुप बैठी हुई हैं अपनी स्थिति स्पष्ट करें
चुनाव में तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अब ये जो पहली अगस्त को जो अभी ये जो अभी रिसेंटली अभी जो निर्णय आया है, इस निर्णय पर तो अब ये संविधान नहीं दिखा रहे किसी को। अब ये आरक्षण की बात नहीं कर रहे कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और भी पार्टियों के लोग, तो अभी नहीं ये संविधान की बात कर रहे ना इनके आरक्षण की बात कर रहे। तो इसलिए मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी के की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इनको जो इनको इन लोगों को एससी एसटी वर्गों को जो इस फैसले से इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। और ये कोई केवल आश्वासन से या गौर करने से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम गौर करेंगे आश्वासन दिया, उससे काम नहीं चलेगा। इसका बड़ा भारी नुकसान इन वर्गों के लोगों को हो रहा है। बेहतर तो यही होता कि कल जो इन्होंने दो तीन दिन पहले ही संसद के दोनों सत्र जो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए हैं, बेहतर यही होता कि इसको ये अनिश्चित काल की बजाय तो ये थोड़े समय इसको ये नहीं करते, इसको कंटिन्यू रखते और 5-6 दिन के बाद पूरी तैयारी करके तो इस ये संशोधन विधेयक को ये पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में संशोधन विधेयक ये लाते, लेकिन नहीं लाए। तो इसलिए मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना है कि यदि आपकी इन वर्गों के मामले में नियत साफ है तो आप अपने और मामलों में तो समय से पहले हाउस बुला लेते हैं, तो आप कभी भी हाउस बुला सकते हैं, अपनी तैयारी करें। और ये जो पहली अगस्त 2024 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाएं, हाउस बुलाएं मतलब, और मालूम भी पड़ जाएगा कि हाउस में सभी दलों का क्या स्टैंड है। और मुझे क्या लगता है कि ये इनको जल्दी करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। वरना जिन राज्यों में अब जल्दी ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो इन वर्गों के लोग ना बीजेपी को माफ करेंगे, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को माफ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा, अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है ना ये संविधान को बचाने वाले हैं ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं, अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ जरूरी बातें बुलाने के कहने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है। हालांकि इससे भी मैंने पहले प्रेस बुलाई थी, लेकिन अब जो हालात बदल जो स्थिति सामने आ रही है, कल मैंने ट्वीट भी किया, लेकिन ट्वीट में सारी बातें नहीं आ सकती हैं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं मीडिया बंदों के समक्ष जाकर अपनी पार्टी की सही स्थिति आप लोगों के सामने इस संबंध में रखूं, इसलिए आज मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इसका जवाब मैंने दे दिया है। इसका भी जवाब मैंने दे दिया है। जाति जनगणना को लेकर हमने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि केंद्र की सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है,
काफी बहुत पहले राष्ट्रीय जातीय जनगणना हुई थी देश में, लेकिन वर्षों बीत गए हैं। अब केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये मामला राज्यों के ऊपर न छोड़कर केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी समझे और इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। केवल कहने से थोड़ी ना काम चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जब तक आप लोग पार्लियामेंट का सत्र जल्दी नहीं बुलाएंगे और इसके ऊपर संशोधन विधेयक नहीं लाएंगे, उसको पास नहीं कराएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय पहली अगस्त को आया वो इम्प्लीमेंट रहेगा तब तक, तो जब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा इन वर्गों के लोगों को। है ये मामला एससी एसटी वर्गों से संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन मतलब, इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। अब आप लोगों के लिए जल पानी का या लंच का जो भी अरेंजमेंट किया है पिछली बार, तो के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था तो हम आपकी खिदमत ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन मैं तो बहुत कम प्रेस बुलाती हूँ, आप लोग सोचते हैं बहन जी जल्दी जल्दी नहीं बुलाती। ठीक है, धन्यवाद।